अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर प्रोफेसर और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे, इसके अलावा इनके ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट को और इनकी एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और आपको ये ऐसे क्लियर करवाएंगे जैसे आपने पहले से क्लियर नहीं किया होगा और अच्छे से आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इनके कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ओल्ड डेफिनेशन के। हम ऑक्सीडेशन को देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ओ फॉर ऑक्सीडेशन एंड ओ फॉर ऑक्सीजन, या तो इस प्रोसेस में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी जगह पर ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही होगी, गेन हो रहा होगा ऑक्सीजन का, तो वो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, वो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। और अगर कोई भी प्रोसेस, किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल, किसी भी किस्म का एटम जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, यानी हाइड्रोजन किसी भी एटम की लूज हो रही होगी, किसी मॉलिक्यूल की, किसी भी एलिमेंट की, तो वो भी प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो जो गेन है वो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो लूज हो रही हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखें, अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गई है तो रिडक्शन का कोई मसला नहीं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो नाउ वी स्टडी अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन सेम जो ऑक्सीडेशन है ना, उससे ऑपोजिट है। यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, लेकिन जो रिडक्शन है इसमें ऑक्सीजन का ही लॉस होता है। यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी रिएक्शन जहाँ पर भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन मूव आउट हो रही हो किसी भी पार्ट से, तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन का रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ऑक्सीजन लूज हो रही हो। या फिर हम ऐसे रिएक्शन को भी रिडक्शन कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन लूज हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। होप कि आपको इसके ओल्ड कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा, ये एक प्रोसेस हो रहा है। अब मैं आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट करके देती हूँ। यहाँ पे जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था वो किस में ऐड हो गया, कार्बन में। अब कार्बन के पास क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब हम देखते हैं जो जिंक था उसका जो ऑक्सीजन जो है वो लूज हो गया और वो किसके साथ बॉन्ड हो गया, कार्बन के साथ, यानी ये बन गया CO2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन में ये वाला ऑक्सीजन ऐड हुआ है और जिंक का यही वाला ऑक्सीजन लूज हुआ है, यानी जिंक ने ऑक्सीजन को लूज किया है। सो जिंक की हुई है हमारे पास रिडक्शन और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, तो कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में आप इजीली देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो जिंक का जो ऑक्सीजन है वो लूज हो गया। इस वजह से जब भी ऑक्सीजन का लॉस होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। और क्योंकि कार्बन ने उसी ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, और जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कार्बन की हो गई ऑक्सीडेशन और जिंक की हो गई रिडक्शन। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट की होगी कि प्रोसेस में ऑक्सीडेशन को भी शो किया और उसी प्रोसेस में रिडक्शन को भी शो किया। जी हाँ, ऐसा ही होता है कि जब भी कहीं पर भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो ज़रूरी है कि वहीं पर रिडक्शन भी हो रही हो, या अगर कहीं पर रिडक्शन हो रही है तो ज़रूरी है कि कहीं पर ऑक्सीडेशन ज़रूर हो रही हो। यानी देखें, यहाँ पर अगर इसकी रिडक्शन हुई है तो ज़रूरी था कि यहाँ पर किसी और एलिमेंट की या इसी रिएक्शन के एलिमेंट की
ऑक्सीडेशन भी होती और ऐसा ही हुआ। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ चलते हैं, इन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो रिडक्शन भी नहीं होगी, और अगर रिडक्शन नहीं होगी तो फिर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। यानी अगर एक चीज़ हो रही है तो फिर ऑब्वियसली दूसरी चीज़ होगी। तो होप कि आपको इनका ओल्ड कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। तो अब हम इसका न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जा रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। जो ऑक्सीडेशन है उसमें आपको ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सिंपली लॉस होगा, और जो रिडक्शन है उसमें सिंपली गेन होगा। अब किस चीज़ का गेन होगा और किस चीज़ का लॉस होगा ये अब हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन में किस चीज़ का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन में लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और रिडक्शन में किस चीज़ का गेन होगा, गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें, ये न्यू डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन होगा, और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन हो रही हो यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो वो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब हमने पढ़ा इनका न्यू कॉन्सेप्ट, अब हम ये बताते हैं कि न्यू कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, न्यू कॉन्सेप्ट की क्या नीड थी। आखिर हम पहले भी तो ये बात समझ रहे थे, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, तो न्यू कॉन्सेप्ट बनाने के क्या रीज़न है, न्यू कॉन्सेप्ट बनाने के क्या रीज़न है। न्यू कॉन्सेप्ट बनाने के रीज़न इसलिए पेश आई, इसकी नीड महसूस की गई इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही हाइड्रोजन होती है, लेकिन वहाँ पर फिर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा होता है। तो फिर हम ऐसे रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते, इसलिए हमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा कि ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल रिडक्शन इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इसलिए किया गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स, सारे रिएक्शंस के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हुआ करती थी। इसलिए अब हम इसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो नोट करेंगे। रिडक्शन के एग्जाम्पल और ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली हमारे पास टू जिंक जो है वो जिंक है प्रेजेंट। एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जिंक है और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो सिंपली हमारे पास जिंक एजिट होगा, जो जिंक है वो एजिट लिखा जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव लगाकर टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव लगाकर टू इलेक्ट्रॉन्स आएगा। पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब वो गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, वो टू इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज़ किया है, तो उसके ऊपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। अब ये हो गया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अब रिडक्शन के एग्जांपल क्या है, वो भी बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये एक हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने ले ली है। अब इसकी हमने क्या करवानी है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा है कि यहाँ भी हमारे पास जो है वो टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें गेन हुए हैं। अब वही टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन ऑब्टेन कर लेगा, यानी अगर हम उसे ये टू इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा। यानी आप ये देख सकते हैं कि रिडक्शन में क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हैं। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है तो यहाँ रिडक्शन होगी, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होती तो फिर रिडक्शन भी नहीं होती। होप कि आपको समझ आ गई होगी सारे कॉन्सेप्ट के बेसिक रीजंस क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट।